हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम लोग अल्कोहल का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, तो हम लोग आईपीएसी नॉमेनक्लेचर सीख रहे थे ना। तो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने अल्कोहल का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर खत्म कर दिया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ अल्कोहल एज डेरिवेटिव ऑफ कार्बेनॉल। मतलब कि वो अल्कोहल जो कार्बेनॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके नॉमेनक्लेचर हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमें एक अंदर से बहुत ही अच्छी वाली फील आती है। ठीक है, हम लोग और ज्यादा एनर्जेटिक होकर वीडियो बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आइए शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ अल्कोहल एज डेरिवेटिव ऑफ कार्बेनॉल। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्लियर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपको आंसर दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ अल्कोहल एज डेरिवेटिव ऑफ कार्बेनॉल। ठीक है, जैसे आपके सामने ये पहला वाला एग्जांपल नजर आ रहा होगा, CH3CH2OH। OH इसमें है अल्कोहल का काम कर रहा है। अब हमें पता ये चल गया कि हाँ, ये अल्कोहल है, इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर हमें करना है। और देखिए, CH2 से OH जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हो गया हम लोग कार्बेनॉल कहते हैं। ठीक है, CH2OH को हम लोग कार्बेनॉल कहते हैं, मतलब कार्बी, आप कह सकते हैं कार्बन ऑल कह सकते हैं, कार्ब इनॉल कह सकते हैं, या कार्बेनॉल कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस CH2OH को हम लोग कार्बेनॉल बोलते हैं, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये हो गया कार्बेनॉल। अब देखिए, इससे और कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो CH3 को सिंपल हम लोग R लिखते हैं, एल्किल ग्रुप या मेथिल ग्रुप। जब CH3 रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, R की जगह कोई भी हो सकता है, एल्किल, मिथिल, प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन CH3 लिखा हुआ चूंकि मिथाइल ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, मिथाइल कार्बेनॉल। अब आप सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, कहीं से भी आप प्रिंसिपल चेंज छाटिए, हम लोग को वही काम करना है, प्रिंसिपल चेंज छाटना है, फिर नंबरिंग करनी है, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करना है, वही सेम काम है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। बस इसका नाम थोड़ा भयंकर लग रहा है, कार्बेनॉल, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखिए आपके सामने 1 2 3 1 2 3, कोई भी तीन ले लीजिए। ठीक है, तो हमें तीन से क्या मतलब है, हम सिंपल नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। हमें CHOH क्या पता है, CHOH मतलब C से अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो कार्बेनॉल होता है, तो CHOH कार्बेनॉल हो गया। एक दो दो मिथाइल हो गए, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, डाई मिथाइल कार्बेनॉल। अब देखिए, मैं आपको थर्ड एग्जांपल क्लियर करके दिखाता हूं, मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है लोगों को। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसका मामले की दो हम लोग करेंगे, एक तो करेंगे ही करेंगे, दूसरा भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा हम लोग करते हैं, ये देखिए आपके सामने नजर आ रहा होगा ये वाला एग्जाम्पल ना, ये देखिए 1 2 मिथाइल ग्रुप। अब हमें इसमें चेन छाटनी है, लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो डबल बॉन्ड है, ऊपर से OH ग्रुप भी है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, OH को, क्यों, क्योंकि हम लोग अल्कोहल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, OH से हमें यह भी पता चल जाता है कि अल्कोहल का हमें नॉमेनक्लेचर करना है, क्वेश्चन में ये तो देख के आता नहीं है कि अल्कोहल है कि क्या है। ठीक है, लेकिन OH जब C से जुड़ा हुआ है तो हमें पता है अल्कोहल है, और इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो दोनों में प्रायोरिटी देंगे OH ग्रुप को। ठीक है, तो ये देखिए, कोई भी तीन, मतलब कोई भी लॉन्गेस्ट चेन छाटे हैं जिसमें हमें अल्कोहल, मतलब OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है, वो हमें नजदीक मिले। 1 2 3 4 मिल तो रहा है चार कार्बन, लेकिन ये दूर दूर पड़ जा रहा है। आप यहां से देखते हैं 1 2 3 4, या तो ये ले लीजिए, या तो 1 2 3 4, या तो ऊपर से ऐसे ले लीजिए, या तो यहां से ऐसे ले लीजिए। तो हमें ये दो नंबर पे मिल रहा है, टू नंबर पे, सेकंड नंबर पे OH ग्रुप मिल जा रहा है। ठीक है, तो हमने ये वाला ले लिया, हमें सीधा सीधा मिल रहा है एल शेप्ड 1 2। ठीक है दोस्तों, तो टू नंबर पे ऑल मिल गया, तो देखिए टू नंबर पे मिथाइल भी मिल रहा है, 1 2 3 4 हमने लिया है। ठीक है, टू पे क्या हमें मिला, मिथाइल ग्रुप। अब चार कार्बन का एल्क क्या होता है, ब्यूट, और 1 2 3 3 पे हमें क्या मिला, डबल बॉन्ड, थ्री इन, और टू पे हमें क्या मिला, ऑल। तो टू मिथाइल ब्यूट, थ्री इन, टू ऑल। ठीक है, अब हम लोग इसको देखिए कार्बेनॉल के रूप में भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखिए COH हमारा कार्बेनॉल हो गया, और CH CH2, मैंने आपको याद दिलाया होगा, जरूर याद करवाया होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH और खाली हाथ, खाली हाथ या फ्री वैलेंसी, इसको हम लोग कहते हैं विनाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया इतना विनाइल ग्रुप हो गया, और ये दो मिथाइल ग्रुप हो गए, और ये आपका कार्बेनॉल हो गया। तो डाई मिथाइल विनाइल कार्बेनॉल, ये हो गया आपका सेकंड नॉमेनक्लेचर। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेमिंग ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच। ठीक है, उसी विषय पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।